للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم अगर बस्तियों के लोग ईमान ले आए और तक्वा की रविश इख्तियार करें तो आसमानों से रहमत और जमीन के बरकतों के दरवाजे उसके लिए मैं खोल दूंगा। मोहतरम जनाबे मियां मोहम्मद असलम साहब, जनाबे डॉक्टर तारक सलीम साहब, जनाबे नसरुल्ला रंदावा साहब और इस जलसे में शरीफ काबिल एहतराम पुरजोश पुरआज़म नौजवानों, वाजिबुल एहतराम माओ बहनों और बेटियों, मैं जमात इस्लामी इस्लामाबाद को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने 2022 का पहला दिन लोगों को एक पैगाम दिया कि तुम्हारी मुश्किलात, तुम्हारी माशी बर्बादी का, तुम्हारे मुल्क में महंगाई का और तुम्हारे मुल्क में बेरोजगारी का असल सबब वो अगर एक तरफ करप्ट की आदत है तो दूसरी तरफ सूदी निदान मईशत है। पाकिस्तान के वजीर खजाना ने खुद एतराब किया है कि हमारी माशी बर्बादी का असल सबब सूदी निजाम है और आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हम अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर सूदी निजाम के खिलाफ, करप्ट निजामी हुकूमत के खिलाफ, इस मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं और सूदी निजाम के खिलाफ ऐलान बगावत करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सूदी निजाम यहूदी निजाम है, एक इस्तेसाली निजाम है, ये इलाही निजाम के मुकाबले में एक शैतानी निजाम है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की तो यही निजाम मदीना में मौजूद था। इस निजाम की सरपरस्ती जिस तरह आज यहूदी करते हैं उसी तरफ मदीना, और लोगों से अपील की थी कि लोगों बिजली का बिल अदा ना करो अगर उसमें इजाफा होता है। यही हुकूमत, यही आने से पहले ये लीडर यही कहते थे। गुज़श्ता दिनों शेख रशीद साहब ने फरमाया कि मैं बीमार हुआ और दवाई खरीदी तो तब मुझे पता चला कि दवाई तो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। अल्लाह ताला तमाम अज़रा को बीमार अगर कर ले बेफायदा होगा आपको, ताकि इनको पता चले कि दवाइयों की कीमत में 13 बार इजाफा हुआ है। यहां लोग बैठे हैं, खाद की फी बूरी जो 3,000 में मिलता था अब उसकी कीमत 9,000 हो गया है और मिलते नहीं है। जनूबी पंजाब में मैंने देखा, वहां कतार में किसान बेचारे खड़े थे, पुलिस वाले उस पर लाठी चार्ज करते थे। किसने ये फैसले किए? किसी की मिनट में ये फैसला नहीं हुआ, किसी युवान में ये फैसला नहीं हुआ। इसलिए कुछ नादीदा कुव्वतें तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हैं और आज इस हुकूमत का ये कारनामा है कि एक तरफ इन्होंने कश्मीर को इंडिया के हवाले किया, 250 सालों से
कश्मीर के नाम पर एक रियासत कायम थी, पीटीआई की हुकूमत में वो रियासत खत्म हो गई। आज वहां मुसलमानों की अक्सरियत को मोदी सरकार ने अकलियत में तब्दील करने की कार्रवाई शुरू की है, लेकिन हमारी हुकूमत का सिर्फ एक ऐलान है कि घबराना नहीं, सुकून कब्र में मिलेगा। इस हुकूमत ने आपका स्टेट बैंक IMF के हवाले किया और आज स्टेट बैंक में एक ऐसा आदमी मुसल्लत किया गया है जिन्होंने इससे कबल मिस्र की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और मिस्र को तबाह करके बर्बाद करके अब IMF ने वही आदमी तुम्हारे लिए यहां भेजा है। आज हमारा स्टेट बैंक हमारा नहीं है, उनका गवर्नर आपको जवाबदेह नहीं है, उनको प्लानिंग भी IMF वाले देते हैं और उन्हीं को वो जवाब देता है। मैं आज इस जलसे में यही कहना चाहता हूं कि स्टेट बैंक के गवर्नर को वापस किया जाए, उसको वापस मिस्र भेजा जाए, उससे इस्तीफा लिया जाए। स्टेट बैंक हमारा है, अगर ये आदमी नहीं हटाया गया तो फिर हम अगले नए अमल का ऐलान करके स्टेट बैंक के गवर्नर और उसके स्टेट बैंक का भी घेराव कर सकते हैं। हम नहीं तैयार कि नया स्टेट बैंक वो IMF और वर्ल्ड बैंक के कब्जे में चला जाए। ये आजाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान है, इसका फैसला 22 करोड़ अवाम करेंगे, इसका फैसला कोई शख्स वाहिद नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, यहां नौजवान बैठे हैं, बेरोजगार नौजवान, वजीर आजम ने कहा है 70 लाख लोग नशे के आदि हो गए। गुज़श्ते दिनों यहाँ हजारों नौजवान जमा थे, हजारों तालिबे इल्म आए थे, 2.7 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। तो इस हुकूमत ने जो वादे किए थे कि हम 1 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, आज मैं इमरान खान से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे तो चंद दिनों और चंद रातें रह गई, आप 1 करोड़ ना सही 1000 नौजवानों को रोजगार देते। वादा किया था कि मैं 50 लाख लोगों को घर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं इस्लामाबाद के लोगों, जिसको घर मिला है वो हाथ उठा ले ताकि पता चले कि कम से कम 1 आदमी को तो घर दिया है इस हुकूमत ने। किसी को घर मिला है? इन्होंने तुम्हारे लिए लंगर खाना बनाया। तो आवाम का मुतालिबा कारखानों का था, इन्होंने तुम्हारे लिए लंगर खाना बनाया, इन्होंने तुम्हारे लिए मुसाफर खाने बनाए। आवाम का मुतालिबा तरक्की का था, लंगर खानों में कतारें देख कर इमरान खान खुश होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कारखाने बन जाए, सनत तरक्की करे, ज़राअत तरक्की करे, बंजर जमीन आबाद हो, तमाम सरकारी बंजर जमीनों को बेरोजगार नौजवानों में और खासकर जो ज़रिए ग्रेजुएट है उनमें तकसीम किया जाए, ताकि हम गंदम दरामद करने वाला ना हो, बरामद करने वाला बन जाए। मैं आज के इस जलसे में कहना चाहता हूं कि जितने सरकारी मुलाजमीन को सूदी कर्जों पर गाड़ियां इस हुकूमत ने दी है, घर दिए हैं मकान बनाने के कर्जे बनाने के लिए, मैं उन सबको एडवाइस करता हूं कि 1 रुपया सूद अदा न करे, और अगर हुकूमत है तुम्हें पकड़ा तो हमारे हाथ ही हुकूमत के गिरेबान में होगा, लेकिन सूद अदा न करे। सूद अल्लाह के खिलाफ इलाज जल है, और जो हुकूमत सूद अदा न करने पर तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां लगाने की कोशिश की, वही हथकड़ी हम उनके गले में लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, हम इस मुल्क को एक वेलफेयर इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं। हम इस मुल्क के अदालतों में कुरान हकीम का निज़ाम चाहते हैं। हम इस मुल्क में एक सा निज़ाम तालीम देखना चाहते हैं।
हम इस मुल्क में इलाज और तालीम रियासत की जिम्मेदारी के तौर पर लेना चाहते हैं। इन्होंने हेल्थ कार्ड को भी सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। इन्होंने दूसरा कौन सा कार्ड है, राशन कार्ड, शर्म की बात है। हर रियासती बाशिंदे को खाना पहुंचाना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन आप उसको भी एक एहसान के तौर पर लेते हो। मेरे दोस्तों, यही निजाम है, यही निजाम पीपल पार्टी का, यही निजाम मुस्लिम लीग का, यही निजाम पीटीआई का, यही निजाम जर्नैलों का। अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक 35 साल जर्नैलों ने